सो गाइज अभी आई हूँ मैं माइका और अभी मैं बनाने वाली हूँ चिकन। तो हेलो गाइज, मैं हूँ आपका अपना गोपी और हम देख सकते हैं गोपी ब्लॉग में। हल्दर फैमिली ब्लॉग्स ना, गोपी ब्लॉग, गोपी ब्लॉग। तो ये लोग अभी ब्लॉगिंग करने वाले हैं ना, गोपी ब्लॉग। तुलसी ब्लॉग ना, ब्लॉग्स BOLG। तो मैं आपका अपना गोपी और यहाँ देख सकते हैं मम्मी माधव के साथ बैठी हुई है। माधव तू ही पार बिना जीवो ने तो लिख के ले ले। तो यहाँ पे देखो लहसुन छीलना हो गया है और यहाँ पे प्याज भी काट दिया है और साइड में ना हो रहा कीर्तन। ये देखो हट, गाना ये खुद गा रहे हैं ना मुंह से। और इसमें पड़ेगा आलू। कल हम जाने वाले हैं पंतनगर। हाँ, कल हम पंतनगर के मेले में जाएंगे और वहाँ के व्यू दिखाएंगे आपको। किसान मेला लगेगा, हाँ, ट्रक से लेके सब कुछ मिलेगा। क्या बोली सुई से थी दूध खब पिया नहीं थी। देखो लोगों के घर में झालर लग गया है मार्केट में, हमारे घर में ये भी लगा है, जाते टाइम दिखाऊंगी आपको। ठीक है, बहुत लोगों के घर पे लगा है। आज जो है ना घासी, जो बंगाली में एक होता है कोई रिचुअल, तो आज के दिन ना तंत्र मंत्र बहुत कुछ होता है। और क्या कहते हैं, आज के दिन ना घर में काजल बनाना चाहिए, पीठे बनाना चाहिए। और आज के दिन ना, आज के रात के टाइम 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे भगवान भूत प्रेत हर चीज़ चलता है, मैंने ऐसा कुछ सुना है लोगों से। और ये मैंने लाइफ में पहली बार सुना है, ये घासी क्या होता है पता नहीं, ये पहली बार सुना है। और मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि आप लोग करते नहीं हो, मतलब पूजा वूजा करते नहीं हो, तो हमने बोला नहीं, हम घासी नहीं करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और अभी आए हैं हम पंतनगर के मेले में और अभी टाइम हो रहा है 9, करेक्ट 9, यस, क्योंकि हम यहाँ से निकले थे 7:45 बजे, घर से निकले थे क्योंकि माधव को ना मायके में छोड़ा है, तो जल्दी जल्दी घर जाना तो पड़ेगा। अभी वो बड़ा हो गया है तो अभी मुझे ना ज़्यादातर मुझे पहचानने लगा है, उसको पता है कि माँ मैं ही हूँ। पहले तो चलो ठीक है, छोटा था, अभी उसको पूरा पता चल गया है कि मैं ही उसकी माँ हूँ। तो इसलिए ना मैं उसको कहीं पे भी छोड़ के नहीं जा सकती अभी, और थोड़ी देर के लिए छोड़ के मतलब रखा है उसको मम्मी के पास, तो उतना देर तो मम्मी संभाल ही लेगी। तो देखो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक तो हो नहीं पाएगा अभी, अभी वो बड़ा हो गया है तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा घूमना नहीं है, टाइम टू टाइम घर आ जाना है। और ये पंतनगर का मेला, यहाँ पे ना एग्रीकल्चर का मेला लगा है, तो देखो यहाँ पे ना मतलब प्लांट्स और प्लांट्स ही है, जिसे कहते हैं ना किसान मेला। तो यहाँ पे किसानों का काफ़ी सारा सामान मिलता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब ज़्यादातर ना मतलब प्लांट है, फिर काफ़ी कुछ है गाइज। मेरे को ना देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मुझे काफ़ी सारा प्लांट लेने का मन कर रहा था। तो
मैंने अपने हस्बैंड को बोला जब मैं आई हूँ पंतनगर तो मैं काफ़ी सारा प्लांट लेके जाऊँगी, तो देखते हैं क्या क्या प्लांट लेते हैं। लेकिन ना एक प्रॉब्लम है कि ना हम जब प्लांट लेंगे तो कैसे लेंगे, बाइक में आए हैं, अगर कार में आते ना तो मैं ढेर सारा लेके जाती, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे गाइस। ये ना 25-30 का इतना सस्ता मिल रहा था ना ये सारे प्लांट, ये सारे इंडोर प्लांट हैं, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और ये वाला ड्रेस ना मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तो आज मैं पहली बार पहन रही हूँ ये वाला ड्रेस, और मेरी मम्मी को ना ये वाला ड्रेस बहुत पसंद आया। मेरी मम्मी बोल रही है ये मुझे देख के जा, ये तंबूरा मुझे देख के जा, तो मैंने बोला कि दूंगी, कुछ दिन के बाद दूंगी, पहले मैं थोड़ा पहन लेती हूँ उसके बाद दे दूंगी तुम्हें। तो देखो यहाँ पे ये सारे प्लांट ना बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, लेने का मन तो कर रहा था, लेकिन अभी ना मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब चॉइस है लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कैसे लेके जाऊँ। देखो बाइक में आए हैं, बाइक में ना पेड़ पौधे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एक या दो ही मैं प्लांट लूँगी और मतलब अपने मनपसंद का एक प्लांट ले लूँगी, मतलब लेने का काम है तो लेना है। मतलब देखो अभी प्लांट देख के किसको ना अच्छा लगता है, तो एक दो तो लेना ही है। और यहाँ देखो गाइज ये सारे बीज जो है ना यहाँ पे बिक रहा है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल भी लगा, मेला टाइप का भी लगा है, ये लोग तो हर कहीं रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आया था मुझे ये फ्लावर छोटे छोटे। और यहाँ पे देखो बीज है, डहलिया का है, फिर काफ़ी सारे प्लांट का है, मुझे उतना नाम पता नहीं है फ्लावर का, मुझे बस एक ही नाम पता है गेंदा और डहलिया, दो नाम पता है, उससे ज़्यादा नहीं पता है। तो सो गाइस देखो यहाँ पे मक्का, उसके बाद लाई, काफ़ी सारे बीज थे यहाँ से ना लोग ख़रीद के लेके जाते हैं खेत के लिए अपने पंतनगर के मेले से। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला होता है गाइस, हमें ना हमने उतना घूमा नहीं है क्योंकि हमें ना टेंशन हो रहा था घर के तरफ माधव को लेकर, तो हमने ज़्यादातर घूमा नहीं है, तो हम ना नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे माधव को लेके, अभी तो जैसे तैसे घूम लेते। और यहाँ पे देखो हनी, कितना सारा हनी बिक रहा है, और यहाँ काफ़ी सारे प्लांट थे इंडोर प्लांट, फिर उसके बाद हिबिस्कस का भी पेड़ था, ये वाला हिबिस्कस का पेड़ 120 ना 130 बोल रहा था। और ये गाइस देखो ये वाला प्लांट मुझे बहुत पसंद आया था बहुत ही, बट मैंने लिया नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे ये दिलाओ, लेकिन ये ना 400 का था, ये वाला पेड़ 400 का था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो दिला तो दूंगा तुम्हें, लेकिन बात ये है ना कि बाइक में इतना महंगा फ्लावर तुम कैसे लेके जाओगी, अगर बीच रोड में मर मुरा गया तो फिर 400 वेस्ट हो जाएगा ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, अब हस्बैंड ने बोला है ख़राब हो जाएगा, तो इनमें से मैंने एक रोज हिबिस्कस लिया है और एक येल्लो कलर का, वो मैं घर जाके दिखाऊंगी कौन कौन सा लिया है। और वो वाला प्लांट हमने लिया नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम वो वाला फ्लावर पक्का दिलाऊंगा पक्का। और ये सारे जो है ना कैक्टस के कैटेगरी के हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि लेते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लेना है, ये अच्छा नहीं होता है, वैसे भी वास्तुशास्त्र के लिए ना घर के अंदर कैक्टस रखना सही नहीं है। तो यहाँ पे सोयाबीन तो हमें लेके ही जाना है, और अभी हम ना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह निकले थे ना तो कुछ खाया नहीं था हमने, तो यहाँ पे बैठ के ना पराठा खा लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घूमने। मतलब थोड़ा ये तो स्टार्टिंग का जो रोड था ना वही वाला मैंने दिखाया आपको, तो पहले हम ना यहाँ खा लेते हैं, उसके बाद बाकी का मेला घूमेंगे। काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन गाइज मेरा जो दिल है ना मान नहीं रहा है, मुझे वो प्लांट चाहिए था जो आप लोगों को दिखाया मैंने, तो वो प्लांट मुझे चाहिए था गाइज। और यहाँ पे ना सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठा, आलू का पराठा मिल रहा था, पर प्लेट 50 रुपीज़, और दो पराठे, पेट भर गया था मेरा, मस्त बना था सोयाबीन तो, लव इट। सो गाइज अभी हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और अभी प्रॉपरली हम लोगों ने मेला घूमा नहीं है, ये मेरे शादी के बाद का फर्स्ट मेला है पंतनगर का, जो कि चलो अभी आप सबको घुमाते हैं कैसा है यहाँ का मेला, काफ़ी मस्त होता है यहाँ पंतनगर का मेला। तो चलो अभी चलते हैं पीछे ताऊ जी, चलो। तो गाइज मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मैं वो वाला प्लांट ज़रूर लेके जाऊँगी, नेक्स्ट टाइम भी वही प्लांट आएगा ज़रूर, मुझे पता है क्योंकि वो प्लांट ना हर बार आते हैं, इस बार आया है तो क्या नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, आएगा ज़रूर।
तो देखो यहाँ पे कंबल बिक रहा था, काफ़ी कुछ बिक रहा था, मतलब अच्छे अच्छे चीज़। और देखो यहाँ पे चूड़िया था, मतलब चूड़िया, उसके बाद यहाँ पे स्वेटर था। ये सारे स्वेटर ना 100-100 रुपीज़ के थे, तो मैं देख रही थी, मेरे को लेना तो नहीं है बट मैं देख रही थी, इतना अच्छा नहीं था यहाँ पे सीरियसली। ये तो कुछ ज़्यादा ही भालू भालू टाइप का लग रहा है, तो लिया नहीं हमने, बस देख रहे थे हम लोग, देखने में थोड़ी ना टैक्स लगता है। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी चलो यहाँ से एक प्लेट लेते हैं, लेकिन उन्होंने दिलाया नहीं। ये वाला प्लेट मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन उन्होंने दिलाया नहीं, बोला बाद अब जब बड़ा होगा तब खिलाएंगे, अब तब ख़रीदेंगे, अभी छोड़ो, अभी वो नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। तो फिर हमने इसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि देखो अभी खाली खाली घर सजा के कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मेरा किचन भी उतना सेटअप अच्छे से है नहीं, तो इसलिए हमने कुछ लिया नहीं, बस देखने का काम देखने आए हैं और कुछ नहीं। हाँ, हम गार्डन की चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो किचन का सामान मिल रहा था, मतलब देखो यहाँ पे किचन का नहीं, सॉरी, रूम का सामान मिल रहा था, कुशन कवर, उसके बाद काफ़ी कुछ मिल रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या था। तो यहाँ पे ना मेला टाइप का भी लगा है, ये मतलब कॉस्मेटिक का, पर्स का, तो काफ़ी अच्छा अच्छा था। मैं देख रही थी, मतलब मेरे को अच्छा मिल जाता तो पर्स मैं ज़रूर लेती, क्योंकि मैं पर्स ना है नहीं एक भी मेरे पास, तो इसलिए मुझे लेना है। और ये वाला जो पर्स है ना, ये मैं अपनी मम्मी का उठा के लेके आई हूँ। और ये देखो ये भालू वाला जैकेट यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल काफ़ी मस्त मस्त मिल रहा था, मतलब देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ना काफ़ी एक्सपेंसिव है ये सारे, मतलब काफ़ी महंगा बोल रहे थे ये लोग, इसके हिसाब से काफ़ी महंगा बोल रहे थे, 1000-1500 का बोल रहे थे ये लोग, तो फिर मैंने लिया नहीं। और यहाँ पे देखो बैंगल्स मिल रहा था काफ़ी कुछ, तो मैं बोली थी ट्राई करती हूँ, ऐसे तो मेरे को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो चलो यही थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लग रहा था, जो वाला मैंने अपने गले में डाला था वही अच्छा लग रहा था, और बाकी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो गाइज यहाँ पे देखो हमने अपना जो है ना मेला कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी हम घर जाने वाले हैं। तो ये मैं लेने की लेना चाह रही थी, लेकिन ना कहाँ पे लगाऊंगी, अभी देखो मेरा घर इतना फैला पड़ा है, काम चल रहा है, कलर हो रहा है, इसलिए मैंने ना लिया नहीं कुछ भी। तो अभी चलते हैं घर, अभी हम घर आ गए हैं। और घर आने के बाद ना देखो हमने क्या क्या लिया है, आप सबको दिखाती हूँ। तो हमने लिया है गुड़हल, जो कि आप सबको भली भांति पता है मुझे गुड़हल के फूल बहुत पसंद है। तो ये एक येल्लो कलर का लिया है और ये एक डार्क ऑरेंज कलर का लिया है, तो ये दोनों ना 200 का पड़ा है मुझे। और यहाँ पे लिया है सोयाबीन, देखिए जस्ट अभी भिगो के रखा है, अभी बनाऊँगी इसको। ओह, मैं माधव को छोड़ के ही हूँ उसके मामा के घर पे, वो सोया है, जब उठ जाएगा तो लेके आ जाएंगे। और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा।